नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास और मध्ययुगीन इतिहास के बुक्स एंड देयर ऑथर्स, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और स्टेट सर्विस, इन सभी एग्जामों में ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बुक है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। इसके लेखक थे विशाखा दत्त। किसने लिखा है ये? विशाखा दत्त। उसके बाद है पद्मावत। पद्मावत के बारे में आपको पता ही होगा, दीपिका पादुकोण की जो फिल्म थी पद्मावत, ये इसी पे आधारित थी। कौन से लेखक है इसके? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? कालिदास। ये लव स्टोरी है मालविका, मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की स्टोरी है ये। किसने लिखी है? कालिदास ने। मालविका, ये देखो नाम से पता चल रहा है, मालविका और अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? कालिदास ने। उसके बाद है अभिजनम शकुंतलम। अभिजनम शकुंतलम ये भी कालिदास ने लिखी हुई है। कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं और वो बहुत सारी एग्जामों में आती भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कालिदासों की जो भी बुक है वो ध्यान में रखिए। पहले आपने देखा मालविका अग्निमित्र, उसके बाद है अभिजनम शकुंतलम, उसके बाद है कुमार संभवम, उसके बाद है कुमार संभवम कालिदास ने लिखी हुई है। उसके बाद चलते हैं बुद्ध चरित्रम। नाम क्या है? बुद्ध चरित्रम। अश्वघोष किसने लिखा है? अश्वघोष। उसके बाद कथा सरित सागर। नाम क्या है? कथा सरित सागर। सोमदेवा, क्या है राइटर का नाम? सोमदेवा। उसके बाद है रजत रागिनी। उसके बाद है रजत रागिनी कल्लना। रजत रागिनी कल्लना आरआरबी एनटीपीसी में इसके बारे में सवाल आ चुका है, रजत रागिनी किसने लिखी करके, तो नाम है कल्लना। उसके बाद है अष्टाध्यायी। नाम क्या है? अष्टाध्यायी, ये लिखा है पाणिनी ने, पाणिनी अष्टाध्यायी। उसके बाद है महाभाष्य। नाम क्या है? महाभाष्य, और लिखा है पतंजलि ने, पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। उसके बाद है चरक संहिता। उसके बाद है चरक संहिता, और लिखा है चरका ने, चरक संहिता। हिंट मिलती है आपको, चरका संहिता चरका ने लिखा हुआ है। उसके बाद है सुश्रुत संहिता। सेम चरक संहिता की तरह सुश्रुत संहिता शुश्रूषा ने लिखी है। उसके बाद है भृगु संहिता। उसके बाद है भृगु संहिता, ये भी भृगु ने लिखी हुई है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट बुक अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र, और लिखी है कौटिल्य ने, जो आज भी हम पढ़ते हैं। क्या है? कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, जिनको विष्णुगुप्त ही कहा जाता है, विष्णुगुप्त, ध्यान में रखिए फ्रेंड, ये कौटिल्य के नेम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, और इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु थे कौटिल्य। उसके बाद है पंचतंत्र। उसके बाद है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, आपको पता है पंचतंत्र की कहानियां ये विष्णु शर्मा की है। किसके? विष्णु शर्मा। उसके बाद है गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद, और लिखा किसने है? जयदेव ने। किसने लिखा है? जयदेव ने। उसके बाद है आर्यभट्टिया। उसके बाद है आर्यभट्टिया, और नाम लिखा है आर्यभट्टा ने, और किसने लिखा है? आर्यभट्टा ने। उसके बाद है मूर्छक कटिका। उसके बाद है मूर्छक कटिका, शूद्रका ने लिखी है, बहुत फेमस किताब है मूर्छक कटिका, लिखी है शूद्रका ने, ध्यान में रखिए। उसके बाद है दयाभागा। उसके बाद है दयाभागा जिमूतवाहना, किसने लिखा है? जिमूतवाहना। उसके बाद है प्रेम वाटिका रक्षण, प्रेम वाटिका रक्षण। उसके बाद लिखिए रामायण। रामायण के कौन है राइटर? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। उसके बाद है भगवद गीता। भगवद गीता वेद व्यास मुनि ने लिखी है, वो किसने लिखी है? व्यास मुनि। उसके बाद है मिलिंद पन्हा। उसके बाद है मिलिंद पन्हा,
मेंडर ने लिखी है ये, मिलिंद पन्ना ने, मिलिंद के सवाल, और किसने लिखे, मेंडर ने। उसके बाद है बुद्ध चरित्रम, उसके बाद है बुद्ध चरित्रम, और लिखा किसने, अश्व घोष ने। उसके बाद है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि। उसके बाद है शिलप्पदिक्रम, उसके बाद है शिलप्पदिक्रम, और लिखा किसने है, इलांगो अधिकल, शिलप्पदिक्रम इलांगो अधिकल। उसके बाद है पांडुरंग महात्यम, क्या नाम है, पांडुरंग महात्म्यम, तेनाली रामकृष्ण, नाम क्या है, तेनाली रामकृष्ण। उसके बाद है रजत रागिनी, एक कल्लना। उसके बाद है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, ये देवी और चंद्रगुप्त इन दोनों की प्रेम कहानी है, ये विशाखा दत्त ने लिखी। ये देखो देवी और ये चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त ये विशाखा दत्त ने लिखी है। उसके बाद दशकुमार चरित्र, उसके बाद दशकुमार चरित्र दांडिन ने लिखा है, किसने लिखा है, दांडिन ने। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव ने लिखी है, जो सिखों के पांचवे गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद काव्य दर्शा, उसके बाद काव्य दर्शा लिखे दांडिन ने। उसके बाद है विक्रम अर्जुन विजया, उसके बाद है विक्रम अर्जुन विजया और लिखे है पंपा ने। उसके बाद है मणि मेकलाई, उसके बाद है मणि मेकलाई और लिखे है सतनार ने, किसने लिखी है, सतनार ने। उसके बाद है ब्रह्म सूत्राज, नाम क्या है, ब्रह्म सूत्राज और लिखे है बद्रयाना ने, किसने लिखी है, बद्रयाना। उसके बाद काम सूत्र, उसके बाद काम सूत्र वात्सायना, किसने लिखी है, वात्सायना ने। उसके बाद मूर्छक कटिकम शूद्र का, ये हो चुका है। उसके बाद है नाट्यशास्त्र, उसके बाद है नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखी है, किसने लिखी है, भरत मुनि ने, भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। उसके बाद बृहत कथा गुणध्या, उसके बाद बृहत कथा गुणध्या। उसके बाद हर्ष चरित्र, उसके बाद है हर्ष चरित्र बाणभट्ट, उसके बाद हर्ष चरित्र बाणभट्ट। उसके बाद है आमुक्त माल्यदा, क्या नाम है, आमुक्त माल्यदा श्री कृष्ण देवराया, श्री कृष्ण देवराया ये विजयालय राज्य था, इनके हेड थे श्री कृष्ण देवराया। उसके बाद है तुजुके जहांगीर, क्या नाम है, तुजुके जहांगीर और लिखी किसने, जहांगीर ने, नाम ही इसमें जहांगीर है और लिखे जहांगीर ने। बाबरनामा तुजुके बाबरी, बाबरनामा तुजुके बाबरी बाबर, बाबरनामा ध्यान में रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शाहनामा, उसके बाद है शाहनामा फिरदौसी, किसने लिखे, फिरदौसी ये राजकवि थे वहाँ के राजकवि, फिरदौसी शाहनामा। उसके बाद हुमायूं नामा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी जो उसकी बहन थी, ध्यान में रखिए फ्रेंड इस पे दोनों पे भी सवाल आते हैं कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो लिखी है गुलबदन बेगम और वो हुमायूं की कौन थी, तो वो बहन थी, दोनों ये ध्यान में रखिए। उसके बाद है संति पुराना, उसके बाद है संति पुराना पूना ने लिखी है। उसके बाद है वासव दत्ता, उसके बाद है वासव दत्ता सुबंधु ने लिखी है। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो, चांद बरदाई, क्या नाम है, चांद बरदाई पृथ्वीराज रासो। किरत अर्जुनिया, क्या नाम है, अभी किरत अर्जुनिया भरावी ने लिखी है, किसने लिखी है, भरावी ने। उसके बाद है कथा सरित सागर, क्या नाम है, कथा सरित सागर और लिखे है सोमदेव ने। उसके बाद है इंडिका मेगास्तेनिस, नाम क्या है, इंडिका मेगास्तेनिस, इस पे ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं, इंडिका किसने लिखी है, तो मेगास्तेनिस ने लिखे। उसके बाद ऐहोले प्रशस्ति, ऐहोले प्रशस्ति रवि कीर्ति, किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है। उसके बाद है लीलावती, क्या है, लीलावती भास्करा टू, लीलावती किसने लिखी है, भास्करा टू। उसके बाद है बादशाह नामा और पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा। उसके बाद है सूर सागर, लाइफ ऑफ कृष्णा सूरदास। उसके बाद है सफरनामा और रिहला इब्न बतूता, इस पे सवाल आ सकता है, इब्न बतूता सफरनामा और उसको भी रिहला कहते हैं।
उसके बाद फ्रेंड हम प्राचीन इतिहास और मध्ययुगीन इतिहास में जो फेमस राइटर थे उनके बुक देखेंगे। वो एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछते। सबसे पहला है कालिदास, अभिजन शकुंतलम। उसके बाद है कुमार संभवा, मेघदूत। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। उसके बाद है रघुवंशम। उसके बाद है शकुंतला। ये सभी किताबें कालिदास ने लिखी है। किसने? कालिदास। उसके बाद है हर्षवर्धन के बारे में भी, ये राजा था और इसके वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। राजा होने के बाद भी इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है, तो इनके किताबों के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली थी रत्नावली। उसके बाद है प्रियदर्शिका और नागनंदा। ये तीनों भी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों भी IMP। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, हर्षवर्धना। उसके बाद है वराह मिहिरा, बृहद संहिता, पंचसिद्धांतिका और बृहज्जतिका। बृहद संहिता, पंचसिद्धांतिका और बृहज्जतिका, ये लिखी है वराह मिहिर ने। तो इसी प्रकार फ्रेंड आज हमने बुक्स देखे हैं जो कि प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास के थे, और उनके ऑथर भी देखे जो कि काफ़ी टाइम एग्जाम में आते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसके वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। धन्यवाद।